हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो भी इन डायोड के यूज करके। तो ये जो डायोड है ये 1N4007 का एक जो कि नॉर्मल डायोड होता है जिसे आप हर किसी प्रोजेक्ट में यूज करते हो। तो आज हम इन्हीं डायोड का यूज करके तीन प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि तीन एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। जैसे जो डायोड है ये 1N4007 का डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले देता हूँ चार डायोड। ठीक है दोस्तों, और इन चार डायोड को मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक के एनोड को, ठीक है, एक के एनोड को दूसरे के कैथोड के साथ में जोड़ना होगा इस तरह से। और उसी तरह और दो डायोड लेते हैं और इसका भी वही, एक के एनोड के साथ एक के कैथोड को हमें जोड़ना है। उसके बाद चारों को ले लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए, इसके एनोड के साथ कैथोड को कैथोड के साथ हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक 12 वोल्ट का बैटरी, ये एक 12 वोल्ट का 7A का बैटरी है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ 12 वोल्ट चलने वाला एक LED लाइट, तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर अभी कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव को पॉजिटिव पर और नेगेटिव को नेगेटिव पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो LED जो है ऑन हो चुका है। अगर मैं इसको रिवर्स में कनेक्ट करता हूँ, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव पर और पॉजिटिव को नेगेटिव पर, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेते हो और उसके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दे देते हो और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे देते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो जल सकता है। ठीक है, तो उसी को प्रोटेक्शन देने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो कनेक्ट किया था, ये रहा इसका एनोड का साइड, ये रहा इसका कैथोड का साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस LED का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को हमें इसके पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देना होगा और नेगेटिव को इसके नेगेटिव पर। तो अभी बाकी बचा ये दो टर्मिनल। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, आप कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो LED अभी ऑन हो चुका है। अगर मैं इसको उल्टा करके कनेक्ट करता हूँ तो भी LED ग्लो कर रहा है। ठीक है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। आप इसी तरह ब्रिज सर्किट बनाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, जो कि रिवर्स वोल्टेज का जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक होल्डर ले रहा हूँ और एक प्लग ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक वायर यहाँ पर कनेक्ट हो गया है और एक वायर यहाँ से मैंने कट कर लिया है। देखिए, ये लैंप यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बीच में मैं एक डायोड को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डायोड लेता हूँ और ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है, तो इसको मैं इस डायरेक्शन में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सीरीज पर कनेक्ट कर दिया है। तो ये इसका एनोड का, ये इसका कैथोड का साइड है। तो अभी हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ब्राइटनेस इसका पहले था वो जो ब्राइटनेस अभी कम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक डायोड का यूज किया है, ना कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस को मैंने यूज किया हुआ है। सिर्फ एक डायोड को हम यूज करके इसका जो ब्राइटनेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है, जो करंट आ रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक डायोड का यूज करके। तो अभी चलिए हम डायोड को उल्टा करके कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया था, तो अभी हम इसको उल्टा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर उल्टा कर लेता हूँ।
और अभी हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो देख तो अभी भी ये जो बल्ब है जल रहा है, ये इसलिए क्योंकि एसी में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर आप एक डायोड को एनोड या कैथोड से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट करो डायोड के थ्रू करंट जो है फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक डायोड का यूज़ करके जो लाइट का ब्राइटनेस है उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आपके पास कोई मोटर वगैरह है उसका भी स्पीड आप यहाँ से वेरिएशन कर सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ, यहाँ से देखिए इसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो अगर हम डायोड का यूज करते हैं तो इसका जो ब्राइटनेस है कम हो रहा है। तो अभी चलिए हम तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर बहुत सारे डायोड लूंगा, ठीक है, 8 से 10 डायोड यहाँ पर लूंगा। और दोस्तों इसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा, यानी कि एक के कैथोड को दूसरे के एनोड पर हमें कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमें सारे डायोड को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 डायोड को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव देना होगा और यहाँ से हमें पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, तो इसको यूज करके हम एक वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा इसके पॉजिटिव पर। तो मैं अभी लेता हूँ एक मल्टीमीटर और इसको मैं सेट कर लेता हूँ वोल्टेज पर, और इसका जो नेगेटिव है उसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ बैटरी के नेगेटिव पर, और इसका जो पॉजिटिव है इसे पहले हम देख लेते हैं कि बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो बैटरी से हमें मिल रहा है 12 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम अपना डायोड का जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 11.5, तो पहले आ रहा था कितना 12.3, तो अभी आ रहा है 11.5। नेक्स्ट कितना आ रहा है 11.1, अभी 10.4, तो यहाँ पर आ गया 10 वोल्ट, 9.7, तो पहले यहाँ से हमें मिल रहा था 12 वोल्ट, ठीक है, लेकिन आखिर में कितना आ रहा है 7 वोल्ट। ठीक है, यानी कि हर एक डायोड में 0.5 से लेकर के 0.6 के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आप इस तरह डायोड का यूज़ करके यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इस डायोड पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 एम्पीयर का लोड ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर कोई अलग सा डायोड लगाते हो 2 एम्पीयर का या फिर 6 एम्पीयर का, तो वहाँ पर आप अलग सा लोड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह डायोड के यूज करके रेगुलेटर बना सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ डायोड के यूज करके 3 एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो में कोई डाउट हो जाए तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट और नए प्रोजेक्ट के साथ।